बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें हम टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, और आज हम उसमें करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। प्यारे बच्चों, अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, अल्लाह ताला कहता है जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त खुदा है कि उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और शैतान जो है वो इंसान को रोशनियों से पकड़ कर अंधेरे में ले जाता है। अल्लाह का दोस्त बनना बहुत आसान है। अल्लाह की भेजी हुई किताब को गौर से पढ़ें, उसकी निशानियों पर गौर करें। अरबी में पढ़ना भी बायस सवाब है, लेकिन असल मकसद कुरान मजीद का ये है कि उस पर समझा जाए, उस पर तदब्बुर किया जाए, और जब हमें समझ आती है तो फिर अमल करना आसान हो जाता है, और जब हमारे अखलाक और किरदार अच्छा होगा तो उसे खुद ही लोग सीखेंगे। तो सच्चा और सीधा रास्ता कुरान का रास्ता है, इसे आज से तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मीन्स स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। कि एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स हिस्सों में तकसीम करना, इट मीन्स टू ब्रेक इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल आर एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज वर्टिकल आर अलोंग वाई एक्सिस। हम एक फोर्स को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करते हैं। आप सोचें कि देर इज़ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए, उसको आप ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए, आपने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ओ बी इज परपेंडिकल ऑन वाई एक्सिस। तो ये दोनों जो लाइन्स हैं ओ बी और ए बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स हैं। कंसिडर फोर्स एफ, लाइन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड बी ए, द कंपोनेंट्स ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को अमूदन काटते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमीट्रिक रेशोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमीट्री ट्राइंगल को कहते हैं। वी कैन मेक अ टोटल ऑफ 6 रेशोज ऑफ साइड्स विद द राइट ट्राइंगल। इन मैथमेटिक्स द ट्रिग्नोमीट्रिक फंक्शंस आर रियल फंक्शंस विच रिलेट एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू रेशोज ऑफ 2 साइड्स। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज है 8 से एडजेसेंट जो है वो एंगल के बेस है, और अपोजिट जो है वो ये टेबल एक बनता है जिसमें पॉसिबल 6 रेशोज हैं। तो जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो है sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। थीटा जो है वो एंगल को कहते हैं। तो आप देखें कि इसमें ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा है, cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, और tan थीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है। तो आपको रिमेंबर करना है तो इस साह का टोआ को याद कर लें। साह sin ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज का टोआ, ये इनके ये लफ्ज़ लिख के याद कर लें तो आपको आसानी होगी एग्जाम में लिखने के लिए। ये रेशोज़ की वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री पे sin, cos और tan की, 30 पे, 45 पे, 60 और 90 पे। क्योंकि ये रेशो जो वैल्यूज़ हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। द मैग्नीट्यूड fx एंड fy आर फोर्सेस, fx एंड fy कैन बी फाउंड यूजिंग ट्रिग्नोमीट्रिक रेशोज़। फोर्स की मकदार ट्रिग्नोमीट्रिक तनासब से मालूम की जा सकती है। जैसे एफ एक्स एफ ए इज इक्वल टू ओ वी ओवर ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर हमें एंगल मालूम हो, हम कॉस थीटा की जो हम एफ एक्स है उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह sin थीटा जो है, उस जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन।
अब हमने ये दो इक्वेशंस डिराइव की हैं, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द रोड. फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स. अगर हम ये देखें तो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. इसमें थीटा जो है वो 30 डिग्री है, फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है, और हमने एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स की वैल्यू मालूम करनी है. तो अगर हम इसको करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है 30 डिग्री एंगल है हमारे पास, और 30 कॉस थीटा की जो वैल्यू टेबल्स से बनती है वो है 0.866. तो हम इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 173.2 न्यूटन फोर्स आ जाएगी. इसी तरह हम एफ वाई को जो है एफ को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और sin थीटा की वैल्यू 0.5 है तो हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगी फोर्स. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू 173.2 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को